बिंदास और बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से हर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना से पंगा लेकर कंगना ने फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक में हलचल मचाई हुई है। वहीं अब ये खबरें भी आ रही हैं कि कंगना जल्द ही राजनीति ज्वाइन कर सकती हैं। कंगना के पारिवारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कंगना बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में है। राजनीति के दंगल में उतरने के लिए कंगना क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे कंगना की ही तरह बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री से राजनीति की दुनिया में कदम रखा। देखिए कौन कौन है इस फेहरिस्त में शामिल। हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने पहली बार 1999 में अपने को स्टार और अच्छे दोस्त रहे विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था, जिसके बाद साल 2004 में हेमा ने भी ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 तक हेमा मालिनी बीजेपी पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा सदस्यता के लिए चुनी गई। 2014 में उन्होंने मथुरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीत भी हासिल की थी। पूनम ढिल्लन। डायरेक्टर यश चोपड़ा की खोज पूनम ढिल्लन 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। पूनम ने फिल्मों में सफल पारी खेली है, उन्होंने सीरियल्स की दुनिया में भी काम किया। हालांकि पूनम भी खुद को राजनीति की दुनिया में जाने से रोक नहीं पाई। 2019 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। पूनम अब बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, वो फिलहाल मुंबई बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जयाप्रदा। राजनीति की दुनिया में बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा काफी चर्चित नाम है। अपने फिल्मी सफर की तरह जयाप्रदा ने राजनीतिक सफर में भी काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। जयाप्रदा ने 1994 में तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी। 1994 में जया ने टीडीपी के लिए चुनाव प्रचार किया था, इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जया ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीती भी, लेकिन कुछ दिनों बाद कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के चलते जयाप्रदा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मार्च 2014 में जया ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन 2009 में वो भाजपा में शामिल हो गई। ईशा कोप्पिकर। कंपनी, कयामत और डॉन जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने पिछले साल 2019 में राजनीति में कदम रखा था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। मुंबई में नितिन गडकरी की उपस्थिति में ईशा भाजपा में शामिल हुई थी। किरण खेर। बॉलीवुड में अपने खास अंदाज के लिए पहचाने जाने वाली अभिनेत्री किरण खेर भी बीजेपी पार्टी का हिस्सा हैं। साल 2009 में किरण ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी और सक्रिय राजनीति में उतर गई थी। किरण खेर ने 2014 में चंडीगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव भी जीता था। सौंदर्या। फिल्म सूर्यवंशम में नजर आई अभिनेत्री सौंदर्या को भला कौन भूल सकता है। महज 31 साल की उम्र में ही सौंदर्या ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अपने निधन से कुछ दिनों पहले ही सौंदर्या ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 17 अप्रैल 2004 में सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने करीम नगर जा रही थी। बेंगलुरु के जकुर एयरफील्ड से उड़ान भरकर जब हेलीकॉप्टर 100 फीट ऊंचाई तक पहुंचा, तभी वह क्रैश हो गया था। इस हादसे में सौंदर्या का भी देहांत हो गया था। दीपिका चिखलिया। रामानंद सागर के सीरियल रामायण से घर घर में मशहूर हुई दीपिका ने सीरियल और फिल्मों में तो काम किया ही, इसके साथ ही वो सांसद भी रह चुकी हैं। साल 1991 में दीपिका भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर गुजरात के वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ने उतरी थी और उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी और संसद पहुंची थी। हालांकि बाद में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते दीपिका ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। रिमी सेन। हंगामा, बागबान, धूम और जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी खूबसूरत अभिनेत्री रिमी सेन लंबे वक्त से फिल्मों से गायब हैं। जनवरी 2017 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर रिमी ने राजनीति जगत में पहला कदम रखा। हालांकि रिमी राजनीति में भी खास सक्रिय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।